दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडिक सेम स्टडी की लाइव क्लास शाम 6 बजे। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा, बोले तो इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे सारे एजुकेशनल वीडियोस और लाइव क्लासेस के आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक आपने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर सजेस्टेड में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपको होमवर्क में दिया गया था, कई सारे लोगों ने आंसर भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIBH स्थित है कहाँ, शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, फटाफट कमेंट करें। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सीटेट में सारे क्वेश्चन कठिन ही आते हैं, सारे क्वेश्चन बड़े ही आते हैं, बड़े ऑप्शंस वाले आते हैं। तो फटाफट लाइक भी करते चलें वीडियो को, सभी लोग शेयर भी कर दें अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस का ये वीडियो रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब होगा यहाँ पे देहरादून, जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है उनका उत्तर। सॉरी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। पहला ऑप्शन, कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, या फिर सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। स्पीड सही है, इतनी स्पीड रहेगी कि आप चारों ऑप्शन खुद से पढ़ें और समझ करके प्रश्नों का उत्तर दें। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बताने से नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं जो बिल्कुल नए हिसाब से पहली बार सीटेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आंसर करें, 52 का पूछा जा रहा है पिछड़े बालकों के लिए। एक शब्द यहाँ पे मिल रहा है, प्रोत्साहित करना। तो हमेशा टीचर जो है बच्चों को प्रोत्साहित करता है, किसके लिए, उनके जो टारगेट हैं, विद्यार्थियों के जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 53, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है, समायोजन की, मानसिक असंतुलन की, शारीरिक न्यूनता की, या फिर बताइए। प्रश्न संख्या 53 बिल्कुल सही जवाब होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आती है, समायोजन में, ठीक है। अगर आप पूरा क्वेश्चन ध्यान ढंग से पढ़ेंगे तब आप इसका उत्तर समझ पाएंगे, जल्दबाजी में अगर आपने पढ़ा तो ये उत्तर भी आप लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन सही जवाब यही होगा, ठीक है। कई सारे लोग यहाँ पे 3rd ऑप्शन बता रहे हैं, समायोजन की समस्या होती, मानसिक संतुलन ठीक होता है उनका। कोई ज़रूरी नहीं कि मानसिक, जो बच्चा विकलांग हो उसका मानसिक संतुलन सही ना हो। क्वेश्चन नंबर 54, धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 75 से 90 के बीच, 60 से 70 के बीच, 100 से 110 के बीच, या फिर 40 से 60 के बीच। क्वेश्चन नंबर 54 फटाफट आंसर करें, प्रश्न संख्या 54 तो बिल्कुल सही जवाब है, 75 से 90 के मध्य धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रश्न संख्या 55, शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, जो शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य होते हैं। प्रश्न संख्या 55, 75 से 90, 50 से 70, 0 से 25, या फिर 25 से 50। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा आपको टाइम अधिक लगेगा, अगर आपने पढ़ा नहीं फिर आपको यही होगा कि तुक्का लगाना पड़ेगा लास्ट में, क्वेश्चन को ही छोड़ करके मत आइएगा। प्रश्न संख्या 55 सही जवाब होगा, 0 से 25 के मध्य। अंधे बालक पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि से, कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो इस पर अधिक समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये कथन किसका है, कुप्पू स्वामी का, फ्रेंडसन का, स्किनर का, या फिर ड्रेवर का। क्वेश्चन नंबर 57 सही जवाब होगा इसका, इसमें आपको अगर याद होगा तभी कर पाएंगे, आंसर होगा फ्रेंडसन का, ये कथन है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, जो प्रीवियस क्लासेज हुई हैं उनके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 58, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, ये कथन किसका है, लेडल का, ड्रेवर का, स्किनर का, या फिर क्रो एंड ग्रो का। हो सकता है अगर पेपर को टफ बनाना हो तो कथन वाले क्वेश्चन 3 से 4 आ जाए, तो नोट करिए, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। प्रश्न संख्या 58, जो लोग बता रहे हैं लेडल, बिल्कुल सही जवाब है 58 का, ऑप्शन नंबर 1।
विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को करना चाहिए? प्रेम पूर्वक व्यवहार यानी प्रेम पूर्ण, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, सामान्य से हे या फिर उदासीनता पूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 59 सही जवाब होगा प्रेम पूर्ण व्यवहार। 59 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना, पहला ऑप्शन धन की बर्बादी है, घाटे का सौदा है, व्यर्थ कार्य है या फिर सामाजिक कर्तव्य। तो विकलांग बच्चों का अगर आप शिक्षित करते हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का सामाजिक कार्य के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 61, थोड़ा सा क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, आसान भी होंगे, टफ भी होंगे, कथन वाले भी होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें तभी आप इससे कुछ नया सीख करके जाएंगे। हो सकता है शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको सारे आते हो तो आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किससे किया जाता है? समाजमिति द्वारा, वैयक्तिक इतिहास विधि द्वारा, नियंत्रित निरीक्षण विधि द्वारा या फिर मनोमिति विधियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 सही जवाब मिलेगा आपको वैयक्तिक इतिहास विधि के द्वारा मानसिक रूप से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अत्यंत सरल, अत्यंत बोझिल, क्षमताओं के प्रतिकूल या फिर रुचियों के अनुकूल। यहाँ पे आपको काफ़ी कन्फ्यूज करने वाले ऑप्शन मिल सकते हैं। सरल भी आप सोच सकते हैं, बोझिल तो आप काट देंगे। इन तीन में आपको डिफरेंस समझना होगा। प्रश्न संख्या 62, तो जिनका भी उत्तर आ रहा है रुचियों के अनुकूल, इंटरेस्ट किस में है बच्चों का, चौथा विकल्प जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 63, एक बच्चा 16 को 61, 6 को डी के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता तो ये क्या है? दृष्टि दोष है, सीखने में अक्षम है, मानसिक दोष है या फिर मानसिक क्षय है? प्रश्न संख्या 63। तो देखिए 16 को 61 लिख रहा है और 6 और डी के मध्य, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है सीखने में वो अक्षम है इसलिए जो है अंतर नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए क्यों? पहला ऑप्शन, वे सहानुभूति के पात्र हैं, उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है या फिर उनकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करें। तो बिल्कुल जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और तैयारी आपकी? फास्ट रिवीजन की तौर पे क्लासेस चल रही हैं, हर टॉपिक से आपको 50-50 क्वेश्चन या 100-100 क्वेश्चन मिलेंगे लास्ट में, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 1992, 1985, 1975 या फिर 1982, विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आएगा, 1982। कहीं कहीं पे आपको इसका उत्तर 1983 भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लिया ये जो है वर्ष घोषित किया गया होगा दिसंबर और जनवरी के बीच, तो अलग अलग विचारक, अलग अलग मनोवैज्ञानिक, उनका ये मानना है। फिलहाल अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे 1982 आंसर होगा दिए गए विकल्प के अनुसार। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहेंगे, जो क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, 1982 की जगह आप ऑप्शन एक जोड़ लीजिए जिससे आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। कन्फर्म हमने कर दिया, ठीक है, 1981 होगा इसका सही जवाब, ठीक है। और बता दें 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में वर्ष जो है 1981 को घोषित किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1981, ठीक है। और 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो अब आपका क्लियर हो गया, 1981 ही इसका सही जवाब होगा, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 66, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 66 है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करें। बिल्कुल सही जवाब जिनका भी आंसर आ रहा है चौथा विकल्प उपरोक्त सभी, इसमें अधिगम अक्षमता, श्रवण दोष, दृष्टि दोष सभी बालक आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं, यानी किस कारण से शारीरिक विकलांगता नहीं हो सकती? चिंता, जन्मोपरांत चोट, आनुवांशिक कारक, जन्म पूर्व क्षति। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 67, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। देखने वालों की संख्या 100 से अधिक है और लाइक का रेशियो कम है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें पूरी एनर्जी के साथ। प्रश्न संख्या 67, चिंता करने से विकलांगता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 68, शारीरिक विकलांगता का कारण है, किस कारण से हो सकती है? क्या पारिवारिक समस्या से,
जन्मोपरांत क्षति से भाषा भिन्नता, तो भाषा से कुछ नहीं होता है, शारीरिक विकलांगता तो नहीं होगी, दोष हो सकते हैं लेकिन विकलांगता नहीं होगी। तो यहाँ पे 68 का जिनका भी ऑप्शन आ रहा है, जन्मोपरांत क्षति, किसी भी प्रकार की चोट लग गई हो तो उससे भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 69, विकलांग जन अधिनियम में कुल कितने प्रकार के विकलांगता को चिन्हित किया, नोट डाउन करिए इस प्रश्न को, ऑप्शन है 5, 7, 6 या फिर 8। आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69, 6 तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ, 1990, 1992, 1995 या फिर 1996। तो सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे 1995, तीसरा विकल्प। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, जो कि है आपकी स्क्रीन पे, पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा जा सकता है, सांवेगिक रूप से विकलांग, गति रूप से विकलांग, अन्य या फिर बहुल विकलांग। क्वेश्चन नंबर 71 फटाफट आंसर करें, तो सही जवाब होगा गति रूप से विकलांग। क्वेश्चन नंबर 72, जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक है, गुणसूत्रों का असामान्य संयोग, भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर दवाओं का असर, माँ का एड्स से ग्रसित होना या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा चौथा विकल्प, सारे कारण हो सकते हैं शारीरिक विकलांगता के। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के कार्य कराने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है। पहला ऑप्शन नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 73, सही जवाब होगा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, चक्षु विकलांग, चक्षु मीन्स आँख होता है। प्रश्न संख्या 74, रीढ़ की हड्डी में विकृत कैसे विरूपण का उदाहरण है, स्नायविक विरूपण, बौद्धिक विरूपण, घोष विरूपण या फिर वंशगत विरूपण। तो रीढ़ की हड्डी की बात की जा रही है, संबंध इसका किससे होगा, स्नायु से, यानी स्नायुविक विरूपण। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है, पूछा जा सकता है प्रश्न, ऑप्शन है 46 व 42, 41 व 46, 42 व 43 या फिर 14 व 15। प्रश्न संख्या 75 सही जवाब होगा 41 व 46। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की तरफ, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक दो पेपर में देखने को मिलेंगे, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे रेल मंत्रालय विविध प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को किराए में कितने प्रतिशत की छूट देता है, रेल मंत्रालय की बात की जा रही विकलांग व्यक्तियों की, 15 से 75, 25 से 50, 75 से 99 या फिर 100%। प्रश्न संख्या 76 सही जवाब मिलेगा आपको 15 से 75%। वो विकलांगता किस प्रकार की है उसको देख करके वो वेरीफाई करता है, तब छूट मिलती। प्रश्न संख्या 77 है, रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों को किराए में कितने प्रतिशत छूट देता है, तो रेल मंत्रालय जो है अंधे व्यक्तियों को 100% छूट देता है, कोई किराया नहीं। प्रश्न संख्या 78, विकलांग विश्व विकलांग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया था, इसके ऑप्शंस अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आप वही मान के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, तो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 79 की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है, फैजाबाद में, हैदराबाद में, मुरादाबाद में या फिर होशंगाबाद में। प्रश्न संख्या 79 फटाफट आंसर करें, 79 का राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है, 79, तो इसका भी आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत मेंशन किए हैं, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे अलग से। इसका सही जवाब क्या होगा, हैदराबाद जो है ये इसका उत्तर नहीं होगा, क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ पूरे कुछ और क्वेश्चंस भी हम आपको दिखाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शारीरिक विकलांग संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान अगर आपसे पूछे तो देहरादून, राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है, सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान ये कहाँ है, मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है, चेन्नई में। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, रट लें, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी इसकी, इससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने, पूछा जा रहा है आंशिक अंधता को जन्म देता है, ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा,
आंसर दीजिए धूल धूप या फिर धुआं या फिर ये सभी। प्रश्न संख्या 80 बिल्कुल सही जवाब होगा ये सभी, ठीक है, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है, ये कहाँ है, देहरादून, हैदराबाद, मुंबई या फिर कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 81 सही जवाब होगा यहाँ पे मुंबई, तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ है, ऑप्शन है देहरादून, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। प्रश्न संख्या 82, फटाफट आंसर करें। राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान, तो ये स्लाइड हमने आपको दिखाई थी, आंसर क्या आएगा इसके हिसाब से मुंबई, ठीक है, यानी इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या कितनी है, ऑप्शन यहाँ पे 16, 17, 18 या फिर 20। प्रश्न संख्या 83 सही जवाब मिलेगा आपको 17। क्वेश्चन नंबर 84, अपंगता का कारक नहीं है, बीमारी, जन्मजात अनियमितता, मनोरंजन या फिर दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 84, तो मनोरंजन से अपंगता नहीं आती, यानी तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 85, विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 85 जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, यहाँ पे श्रवण क्षतियुक्त बालकों को शिक्षा दी जाती है चिन्हित भाषा के द्वारा, संकेत भाषा के द्वारा, एक और दो दोनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 86, तो चिन्हित भाषा और संकेतिक भाषा, यानी सांकेतिक भाषा के द्वारा, तो इसका विकल्प होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 87, श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती, संगीत भाषा, चिन्ह भाषा, संकेत भाषा या फिर ओष्ठ पाठन। प्रश्न संख्या 87, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। तो संगीत भाषा इसका सही जवाब होगा, श्रवण क्षतियुक्त की बात की जा रही है और नहीं यहाँ पे लगा, तो आंसर आएगा संगीत, सुन ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है, श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है वीडियो टेप्स, सुनने की मशीन, फिल्म या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 88, ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं उपरोक्त सभी, तो 88 का जो लोग चौथा विकल्प बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, अंधे बालक होते हैं जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है, इनकी आंखें ऑपरेशन द्वारा ठीक हो जाती हैं या फिर अपनी इंद्रियों पर निर्भर ना रहने वाले या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 89, बहुत बढ़िया आप लोगों का रिप्लाई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन 89 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कह रहा है, दृष्टि संबंधी दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है बताइए। ऑप्शन है शारीरिक व मानसिक, शैक्षिक व व्यावसायिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक। तो प्रश्न संख्या 90 है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 100 तक पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। जो लोग प्रश्न संख्या 90 का बिल्कुल चौथा विकल्प बता रहे हैं प्रभाव नहीं पड़ता, निगेटिव है, तो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 90 का चौथा विकल्प। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91 की तरफ, देखिएगा क्या है 91। क्वेश्चन नंबर 91, ब्रेन लिपि का प्रयोग किया था, तो ये सभी को पता होगा, इसमें अधिक समय नहीं लेंगे, आंसर क्या आएगा अंधे बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते, लंगड़े, लूले या पोलियोग्रस्त, जड़ बुद्धि वाले या फिर ये सभी। प्रश्न संख्या 92, तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, जड़ बुद्धि वाले। क्वेश्चन नंबर 93, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, आवाज की समस्या, हकलाना व तुतलाना, अशुद्ध उच्चारण या फिर तेज बोलने वाले। क्वेश्चन नंबर 93 फटाफट आंसर करें, प्रश्न संख्या 93 आंसर क्या आएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 93 का, तेज बोलने वाले, ठीक है, दोष से संबंधित नहीं है आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 94, मनुष्य की आवाज का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है, आवाज का वर्णन, तो आंसर क्या आएगा प्रश्न संख्या 94 विकल्प आपने पढ़ ही लिए होंगे, स्तर, उच्चता, गुण, तेजी, ऊंचाई, स्तर, लय, गंभीरता या फिर सुरीलापन। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, स्तर, उच्चता और गुण, पहला ऑप्शन इसका सही होगा प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 95, बालकों में दोष व उच्चारण की समस्या किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधारा जा सकता है,
बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर युवावस्था में? प्रश्न संख्या 95, फटाफट आंसर करें। बिल्कुल सही जवाब होगा, यहाँ पे कई सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 95 आंसर आएगा शैशवावस्था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पे 100 बालकों में से कितने बालक हकलाने वाले होते हैं, एक अनुमान है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 96, लगभग 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 या फिर 21 से 25। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। अब है इस सीक्वेंस में तो एक बार देख लेते हैं, आपको जानकारी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 96 सही जवाब होगा, 6 से 10 बालक लगभग 100 बालकों में से हकलाने वाले हो सकते हैं। कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता या फिर सम्मान पाने की आवश्यकता? प्रश्न संख्या 97, क्वेश्चन नंबर 97। जी हाँ बिल्कुल, तीसरा विकल्प संबंध जोड़ने की आवश्यकता जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कौन सी, अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु कौन सी, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि संबंध मजबूत हो, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, यदि कक्षा में कुछ छात्र कमजोर दृष्टि के हों तो उन्हें आगे बिठाया जाना चाहिए, उन्हें इलाज की सलाह देनी चाहिए, उनके अभिभावकों को बुलाकर इलाज की सलाह देनी चाहिए या फिर उनकी परवाह किए बिना? तो आंसर आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 98 का, जो लोग तीसरा विकल्प बता रहे हैं, अभिभावकों से बात करके इलाज की सलाह देनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं 80 से कम, 90 से कम, 50 से कम या फिर 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक? प्रश्न संख्या 99, टर्मन के अनुसार पूछा जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू टर्मन 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक जो हैं उनके अनुसार मानसिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है? संप्रेषण तकनीकी यानी श्रवण क्षतिग्रस्त बालकों की सबसे बड़ी समस्या, भाषा चिन्ह यानी अमेरिक, इसके बाद यहाँ पे देखिए कूट दे रखे हैं, और बताइए कौन सा सुमेलित है आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 100, तो बिल्कुल इसका पहला ही विकल्प सही होगा। संप्रेषण तकनीकी का संबंध किससे होगा? श्रवण क्षतिग्रस्त बालकों की सबसे बड़ी समस्या, जिनको सुनने में दिक्कत होती है उनको संप्रेषण में भी समस्या होगी। और दूसरा विकल्प भाषा चिन्ह यानी अमेरिकन चिन्ह भाषा, ये दो विकल्प जो है युग्म सुमेलित है। बाकी देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सामान्य वर्गीकरण, चिकित्सीय वर्गीकरण, इसका सही मेल नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसका पार्ट वन, और जितनी भी क्लासेज हुई हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराया, सारी क्लासेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, क्लिक करके देखें। यहाँ पे आपको कुछ वीडियोज़ के लिंक दिए जा रहे हैं, संस्कृत पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी और मैथ्स के, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है जैसा कि होमवर्क, तो वो भी देख लीजिए। इसी में दृष्टि दोषयुक्त बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है? आंसर दीजिए नेत्र चिकित्सीय परीक्षण, स्नेलेट चार्ट, जिगर चार्ट या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 101 आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।